हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। इन सभी का केमिस्ट्री फर्स्ट ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। तो अपना चैप्टर चल रहा था लेसन नंबर 8, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और उसके जो पॉइंट थे वो चल रहे थे। आज के लास्ट और फाइनल अपने छोटे छोटे पॉइंट है, उनका अध्ययन करते हैं। तो उनमें नंबर 1 रहेगा अपना आज का अंतराकाशी यौगिक बनाना, अंतराकाशी यौगिक बनाना। नंबर 2 है मिश्र धातु बनाना, और नंबर 3 है संकुल यौगिक। इनका दूसरा नाम है उप सह संयोजक यौगिक। बनाना इनके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे, यानी जो संकुल तत्व है अंतराकाश यौगिक बनाते हैं, मिश्र धातु बनाने प्रयुक्त होते हैं, यानी संकुल यौगिक दूसरा नाम इनका उपसंस यौगिक बनाने में प्रयुक्त होते हैं, क्यों? तो नंबर 1 है अपना अंतराकाशी यौगिक बनाना। तो सबसे पहले देखते हैं अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं। यानी ये अंतराकाशी यौगिक कहते किसे, तो अंतराकाशी यौगिक होते क्या है, तो वो है कि अपने पढ़ाता है जो डी ब्लॉक के तत्व उनके पास रिक्त एन -1 डी कक्षक, यानी रिक्त डी कक्षक, खाली डी कक्षक उपस्थित होने की वजह से इनकी जो क्रिस्टल संरचना होती है उनमें छोटे छोटे रिक्त स्थान, यानी खाली डी कक्षक रहेंगे तो उसकी वजह से इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे रिक्त स्थान बन जाते हैं। इन छोटे छोटे रिक्त स्थानों में अन्य अधातु परमाणु जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आदि क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। इन रिक्त स्थानों क्या है, अन्य अधातु हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, प्रवेश कर जाते हैं, और इस प्रकार जो यौगिक बनते हैं उन यौगिकों को कहते हैं अंतराकाशी यौगिक। उन्हें क्या कहते हैं, अंतराकाशी यौगिक। तो क्वेश्चन इस पर बनता है अंतराकाशी यौगिक किसे कहते हैं, अंतराकाशी यौगिक किसे कहते हैं। संक्रमण तत्व ही इस प्रकार के यौगिक बनाने प्रयुक्त होते हैं, क्यों? तो उसका आंसर क्या है कि अंतराकाशी यौगिक यानी जो संक्रमण तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, उनकी क्रिस्टल संरचना में रिक्त डी कक्ष उपस्थित होने के कारण उसकी क्रिस्टल संरचना में छोटे छोटे रिक्त स्थान बन जाते हैं। उन रिक्त स्थानों में अन्य है अधातु परमाणु जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार जो यौगिक बनते हैं उन्हें कहते हैं अंतराकाशी यौगिक। संक्रमण तत्व इस प्रकार के यौगिक बनाने प्रयुक्त होते हैं, उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि इनके पास रिक्त डी कक्ष उपस्थित होने की वजह से इनके कृष्ण संरचना में छोटे छोटे रिक्त स्थान बन जाते हैं। ठीक, ये तो था अपना अंतराकाशी यौगिक। नंबर 2 अपना मिश्र धातु, यानी जहां कई बार मिश्र धातु को उदाहरण देखते हो तो मिश्र धातु रूप में तो डी ब्लॉक के तत्व मिलते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व, जो डी ब्लॉक के तत्व तो मिश्र धातु बनाने में प्रयुक्त होते हैं। उसका कारण क्या होता है कि अपने पढ़ाता परमाणु आकार, तो जो संक्रमण तत्व होते हैं उनके परमाणु आकारों में अधिक अंतर नहीं होने की वजह से, यानी परमाणु आकार परमाणु त्रिज्या कैसी होती है, लगभग इनकी बराबर होती है, अधिक अंतर नहीं होने की वजह से एक धातु परमाणु दूसरे धातु परमाणु को आसानी से प्रतिस्थापित कर देता है, प्रतिस्थापित करके क्या बना लेता है, मिश्र धातु बनाने में प्रयुक्त हो जाता है। ठीक है, नंबर 3 अपना संकुल यौगिक या उप सह संयोजक यौगिक। तो जो डी ब्लॉक के तत्व एवं संक्रमण तत्व है उप सह यौगिक या संकुल यौगिक बनाने में प्रयुक्त होते हैं, क्यों? क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, यानी संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाने में प्रयुक्त होते हैं, क्यों, कारण क्या है? उसके कारण है 2। यानी संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाने में प्रयुक्त होते हैं, क्यों? उसका कारण नंबर 1 है कि इनके पास रिक्त डी कक्षक, क्या होता है, इनके पास रिक्त डी कक्षक, तो खाली डी कक्षक होता है इसकी वजह से। और नंबर 2 है अपना ये परिवर्तनशील संयोजकता, परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों ही पॉइंट, यानी संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाया जाए तो
रिक्त डी कक्ष कोण पास हो रहे परिवर्तनशील ऑक्सीजन स्तर प्रदर्शित करने चाहिए तभी संकुल यौगिक बनाने प्रयुक्त होते हैं, उपसंयोजी यौगिक बनाने प्रयुक्त होते हैं। ये दोनों ही गुण डी ब्लॉक तत्व पास उपस्थित होते हैं, इनकी वजह से ये संकुल यौगिक एवं उपसंयोजी यौगिक बनाने प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार अपने तीन पॉइंट था आज के तीनों कंप्लीट हुए और जो अपना डी ब्लॉक का पार्ट था वो समाप्त होता है। धन्यवाद।